भले ही आप TikTok, Instagram Reels और YouTube Short जैसे प्लेटफॉर्म पर घंटों अपना कीमती वक्त स्क्रॉल करते हुए बिताते हो, पर इन कंपनीज ने खुद ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को गिव अप करना शुरू कर दिया है। पिछले महीने ही मेटा ने ये डिसाइड किया कि वो Facebook और Instagram पर शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर को बोनस देना बंद कर देगा। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो आप लोगों को बता दें कि मेटा के लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को पुश करना लंबे समय के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। भले ही Instagram रील की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पर ये फिर भी इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है Instagram के दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। और साथ ही मार्क ज़करबर्ग के हिसाब से लोगों का रील की तरफ स्विच करने की वजह से कंपनी को हर साल $2 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं ताकि वो दूसरे कॉम्पिटिटर के बीच ट्रेंडिंग में रह सके। और इस पूरे टाइम ही मेटा शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट क्रिएटर्स को रील्स बनाने के पैसे दे रहा था, जिसके बाद Instagram और YouTube को ये रियलाइज हो गया कि उन्होंने इसमें हद से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है इतने कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट में। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटा कंपनी ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से पीछे भाग रही है, बल्कि TikTok जैसी कंपनी जो भले ही इंडिया में बैंड हो, पर TikTok जैसे ऐप जो कि फेमस ही अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से हुए थे, उसने भी अपने कंटेंट की लिमिट को साल दर साल बढ़ाया है। जब TikTok स्टार्ट हुई थी तब उसकी मैक्स वीडियो लिमिट सिर्फ 15 सेकंड की थी, उसके बाद ये 60 सेकंड से 3 मिनट और अब 10 मिनट तक हो चुकी है। और साथ ही TikTok ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लैंडस्केप मोड पर काम करना तक शुरू कर दिया है। तो भले ही TikTok भी नेक्स्ट YouTube बनने की रेस में लगा हो, पर आखिरकार ऐसा है क्यों कि ये सब कंपनी इतनी तेजी से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से भाग रही है। भले ही ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इन प्लेटफॉर्म्स पर शॉर्ट टर्म के लिए अटेंशन ग्रैब करने में मदद करता हो, पर लंबे टाइम के लिए ये ऑडियंस और यहाँ तक कि कंपनीज दोनों के लिए फायदेमंद नहीं। हर सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म को अपनी सफलता के लिए जरूरत होती है अच्छे क्रिएटर्स की, और किसी भी उल्टी सीधी वीडियो को प्रमोट कर आप टॉप पर ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। और अगर आपका कंटेंट गार्बेज है तो आपका प्लेटफॉर्म भी गार्बेज ही होगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के क्रिएटर्स ज्यादा लॉयल नहीं है, क्योंकि भले ही इन क्रिएटर्स ने अपना स्टार्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने से किया था, लेकिन इन क्रिएटर्स के फेमस होने के बाद या तो इन्होंने शॉर्ट्स छोड़कर लॉन्ग वीडियोस बनाने लगे, या तो बढ़ते कॉम्पिटिशन की वजह से इन्होंने रील्स वगैरह पोस्ट करना ही कम कर दिया। क्योंकि एक शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होने के चांसेस एक नए क्रिएटर के और यहां तक कि 10 मिलियन फॉलोअर वाले क्रिएटर के भी सेम ही होते हैं। इसी वजह से भले ही ये शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स चाहे एकदम से फेमस हो जाए, पर कुछ दिन बाद आपको ये याद तक नहीं रहता कि आखिरकार वो गए कहां। इन शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म को सिर्फ क्रिएटर की दिक्कत से नहीं बल्कि एडवर्टाइजर की प्रॉब्लम को भी झेलना पड़ता है। किसी भी प्लेटफॉर्म का मेन अर्निंग सोर्स उसके एडवर्टाइजमेंट से आता है, पर ज्यादातर एडवर्टाइजर अपना प्रमोशन शॉर्ट्स पर नहीं करना चाहते, क्योंकि एक यूजर यूट्यूब पर 5 से 10 मिनट की वीडियो देखते वक्त एक 10 से 15 सेकंड के एड को तो देख लेता है, पर अगर 15 से 20 सेकंड का शॉर्ट देखते वक्त कोई एड आता है वो फौरन ही उसको स्वाइप कर देता है, जिसकी वजह से एडवर्टाइजर की रीच पर काफी असर पड़ता है। और जो कि मेन एम होता है एक एडवर्टाइजर की अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, वो शॉर्ट फॉर्म पर उस लेवल पर पूरा नहीं होता लॉन्ग फॉर्म के कंपैरिजन में। एक और प्रॉब्लम है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में कि शॉर्ट वीडियो में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। ज्यादातर शॉर्ट वीडियो बस 10 से 20 सेकंड तक हमारा अटेंशन ग्रैब करती हैं, और कुछ कुछ छोड़कर ज्यादातर शॉर्ट वीडियोस बस क्रिंच कंटेंट से भरी हैं। पर वहीं अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट्रीज, कुकिंग, पॉडकास्ट, कॉमेडी वीडियो, आप जिस भी जॉनर में चाहो उसमें आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना सकते हो, जिसमें क्रिएटर्स को अपनी स्किल शो करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर इस वक्त आप एक टॉप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर को कंपेयर करो एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर से, तो शॉर्ट फॉर्म वाले क्रिएटर्स की इमेज मार्केट में हद से ज्यादा खराब है। कुछ क्रिएटर्स तो 200 रुपए किलो के हिसाब से मिठाई की दुकान में भी अवेलेबल हैं। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। और इन खराब इमेज के वजह से ही पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्रीज या फिर नॉलेजेबल वीडियो देखे, ना कि ऊटपटांग हरकतों वाली वीडियो। इस वजह से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है। अगली पॉसिबल वजह है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर ज्यादा क्रिंच कंटेंट अपलोड होने की, और या फिर शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म का फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है। वो वजह है क्रिएटर्स बर्नआउट, मतलब वायरल कंटेंट बनाने की होड़ में लगे ये क्रिएटर्स कॉन्स्टेंट प्रेशर में रहते हैं अपने कॉन्टेंट को ट्रेंडिंग में रखने के लिए, जिसकी वजह से आधे या तो डिप्रेस हो जाते हैं या फिर ऊट पटांग हरकतें करने लगते हैं ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले सालों में ये शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म क्या खत्म हो जाएगा, या फिर ये शॉर्ट वीडियोस लॉन्ग
फॉर्म वीडियोस को भी टेक ओवर कर लेंगी। तो इन दोनों चीजों का ही जवाब है नहीं, क्योंकि ऑडियंस को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना पसंद है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फिलहाल अभी कुछ सालों के लिए तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन ये बात भी तय है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सिर्फ एक एडिशन रहने वाला है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का, लेकिन ये कभी भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को टेक ओवर नहीं कर सकता, भले ही लंबे समय के लिए मार्केट में रहने के लिए लॉन्ग कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।